नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। 19 सूत्री मांगों को लेकर मुखिया संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन कटिहार। प्रदर्शन के दौरान सभी मुखिया ने कहा कि सरकार हमारे अधिकारों को कर रही है कटौती, साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधान पार्षद ने दिया समर्थन। आज जिला मुख्यालय कटिहार के समाहरणालय में के समक्ष इंदिरा गांधी पार्क में मुखिया संघ ने धरना प्रदर्शन किया। मुखिया संघ द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन के तहत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिले के सभी पंचायत के मुखिया ने मुखिया संघ के अध्यक्ष कौशल किशोर यादव के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार पर कम कर अपनी भड़ास निकाली। मुखिया संघ द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में इनकी सभी मांगों को पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं विधान पार्षद अशोक अग्रवाल अपना भरपूर समर्थन दिया। अधिकारों की कटौती के लेकर संगठन ने किया प्रदर्शन। मुखिया संघ का कहना है कि सरकार दिन प्रतिदिन हमारे अधिकारों की कटौती कर रही है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा पंचायत प्रतिनिधि एवं के प्रति सह नहीं। मुखिया संघ के अध्यक्ष कौशल किशोर ने कहा है कि 16 से 31 अगस्त तक ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती की जा रही है, इसके खिलाफ राज्यव्यापी धरना दिया गया। संघ ने कहा है कि अगर 31 अगस्त तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो हम राज्यव्यापी आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। ग्राम स्वराज की योजना थी सरकार की, जो हमारे देश के आज़ादी में महात्मा गांधी जी ने सपना सोचवाया था, उन अधिकारों को का हनन हो रहा है। और हमारे आदरणीय मुखिया जी लोगों की 19 मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, सरकार को माननी चाहिए। मुखिया के अधिकार को काफ़ी कटौती की गई है। जो अधिकार उनको मिलना चाहिए, जो उनको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। जो बिहार सरकार है, जो उनको उनके माध्यम से जो कार्यान्वयन होना चाहिए था, आज पंचायत सरकार भवन मुखिया जी बना रहे थे, उसको भी लेकर के एलईओ की थ्रू टेंडर किया जा रहा है। लगातार बहुत सी सारी, और पिछली सरकार में आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जो आह्वान किया था और लाइसेंस देने का काम किया था, जो मुखिया की जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार से आदेश निकला था कि उनको लाइसेंस दिया जाएगा वो अपनी जान माल की सुरक्षा कर सके, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। कभी अंत्येष्टि का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब लोग जब मरते हैं तो 3000 की राशि दी जाती है, वो भी नहीं दिया जा रहा। लाइटों को जो ग्राम पंचायतों में लाइट लगाई जा रही है बेरेडा के थ्रू, उनका पैसा मुखिया जी के माध्यम से दिया जा रहा है। वो पैसा सरकार को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए थी। ग्राम पंचायत का पैसा ग्राम पंचायत में लगना चाहिए। ऐसी बहुत सी खामियां हैं जो सरकार को दूर करने की ज़रूरत है। और हम लोग मुखिया जी और ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ हैं, इनकी मांगों को लेकर यहाँ से पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोग रहेंगे। अधिकारों में कटौती की गई है। आज कभी अंत्येष्टि का पैसा तक नहीं दिया जा रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार इनको नहीं दिया जा रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुखिया के अंडर में थी, मुखिया जी को करना था, लोग मुखिया जी के पास आते हैं। उन बिहार सरकार जो इनकी मांग है, उनके मांग के समर्थन हम लोग रहेंगे। जब विधानमंडल का सत्र जब चालू होगा, इन मांगों को लेकर विधानसभा में हम लोग घेरने का काम करेंगे। हम लोगों का मांग है जो गांधी स्वराज योजना के तहत जो हम लोगों का 29 अधिकार पंचायत को दिया गया था, वह दिन पर दिन केंद्र सरकार और बिहार सरकार कटौती कर रहे हैं, जो उन्हें पुनः वापस किया जाए। और जैसे आज इसका मैंने सरकार जो है, एक बार हमारे यहाँ पंचायती राज मंत्री जी आए थे, उनका कहना था कि हम लोग कोई ऐसा अधिकार का कटौती नहीं किए। लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से, कि उनको यह ध्यान होना चाहिए कि आप जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं, आप जो बरेडा कंपनी को दे दिए, क्या यह अधिकार कटौती नहीं है? आपने जो सरकार भवन बनाया जा रहा था पंचायत के मुखिया के द्वारा, आज जो है उसको एलईओ कंपनी को दे दिए, क्या यह कटौती नहीं है? क्या आप जो है जल नल योजना जो कि सात निश्चय योजना वार्ड सदस्य के द्वारा था, आज उसको जो है कन्वर्ट करके साथ दे दिए हैं, जो एलईओ कंपनी ने जल नल योजना चलाया है, क्या हम दावे के साथ जिला अध्यक्ष होने के नाते तमाम सरकार और उनके प्रशासन से कहते हैं मेरे साथ चले, दर 10% भी सफल नहीं है? अगर हम गलत बोलते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो? क्या सरकार अंधी और बहरी है? क्या देख नहीं रही है हम लोगों को जनता ने जिताया है? जिस तरह वह केंद्र में सरकार और बिहार में सरकार है, उसी तरह हम
लोगों का भी एक पंचायत का जवाबदेही है, हम पैसा दें, हमारे यहाँ को गलत काम हो ये कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम लोगों का प्रदेश अध्यक्ष का आह्वान था 16 से 31, आगे फिर अगर सरकार नहीं मानती तो हम लोग जो है यह निर्णय लिए हैं कि अनवरत लड़ाई जारी रहेगा, आगे चाहे कोई सरकार हो हम लोग भी उनके जो है चुनाव में हो या जिस चीज़ में हो इनका विरोध करने का काम करेंगे। और जनता को यही कहेंगे कि सरकार हम लोगों के साथ यानी आप लोगों के साथ धोखा कर रही है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी जो है आपको जो है बनाने के लिए दौड़ना पड़ता है ब्लॉक, आप जो है इंदिरा आवास आज तक केंद्र सरकार जोड़ने का काम नहीं कर रही है, आज तक हम लोग 2 साल हो गया एक भी इंदिरा आवास नहीं दे पाए हैं सरकार। यही सब जो है हम लोगों का 24 मांगे है, जो अधिकार है उसको जो है पुनः वापस करें, नहीं तो हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। आज सैकड़ों मुखिया हमारे मारे गए, उन लोगों का कोई जो है आज तक नहीं हुआ और न तो लाइसेंस आर्म्स लाइसेंस मिला, उन लोगों को 50-50 उनके परिजनों को लाख रुपया दिया जाए और जो उनके दोषियों पर स्पीडली ट्रायल करके उनको अवश्य अविलंब कार्रवाई कर सजा दिलाने का काम हो, यही हम लोगों का मांग है। मेरा परिचय कौशल किशोर यादव, जिला मुखिया संघ अध्यक्ष। नहीं देखिए मुखिया पूरे बिहार के अपने सम्माननीय मुखिया 16 अगस्त से लगातार अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इसी क्रम में आज जिला मुख्यालय के सामने कटिहार जिला के सभी माननीय मुखिया जी आज धरना पर बैठे हैं, हम सब उन्हें समर्थन देने के लिए आए हैं और स्वाभाविक है कि यह कोई अलग से अपनी मांगों को नहीं कर रहे हैं, ये संवैधानिक जो अधिकार प्रदत्त है, क्योंकि महात्मा गांधी भी सुराज की कल्पना किए थे, सुराज का नारा दिए थे। और जो देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जब तक कि गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो स्वयं अपने निर्णय लेकर जो विकासात्मक कार्य हैं और जो ग्रामीण व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो कार्य है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही हो सकता है और उसके लिए 73वां संशोधन 1993 में किया गया और उसमें 29 अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को दी गई, लेकिन उसमें 29वां अधिकार को सरकार कहीं ना कहीं कटौती कर रही है, वो अधिकार इन्हें सौंप नहीं रही है और यह इनके अधिकार पर कुठाराघात है और यह अधिकार कोई कार्यपालिका के द्वारा प्रदत्त नहीं है, संविधान के द्वारा प्रदत्त है और इस अधिकार से वंचित करने का अर्थ है कि अब जिस व्यवस्था को पंचायती राज देखेंगे उस व्यवस्था से आम लोगों को आप महरूम कर रहे हैं। अपने शासन में कई अधिकारों को दिए थे जो पंचायत स्तर पर जो कर सृजन करने की व्यवस्था थी और उससे उसकी हिस्सेदारी की व्यवस्था थी उससे हटा दिया गया। आज मुखिया को हत्या अपराधियों के द्वारा हत्या की जा रही है, उनके व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, उन्हें जो अग्नेयस्त्र का लाइसेंस देना चाहिए वो लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। कबीर अंत्येष्टि योजना जो पहले पंचायत राज के को ये प्रदत्त था उसे वापस ले लिया गया। इस तरह से कई ऐसी मांगे हैं जिसे विस्तार से अभी वर्णन करना काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन आप जान लीजिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी और समय समय पर हम सबों ने इसे उतारने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस अधिकार से कटौती किया जा रहा है। इन्हें सुरक्षा की गारंटी दें, ये जनप्रतिनिधि हैं, ये आम लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए इनकी जो मांगे हैं वो जायज है। इन मांगों के समर्थन में आज हम सब आज यहाँ उनके समर्थन में बैठे हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि इनकी मांगों को निश्चित तौर पर पूरा होना चाहिए, लेकिन सरकार इन मांगों को अनदेखी कर रही है। सरकार कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को बहुत हल्के में ले रही है, तो जब आम लोगों के जनप्रतिनिधियों से सरकार टकराएगी तो आने वाले दिनों में सरकार की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं।